अमीषा क्या है, अमीषा तड़ी पा रहे, क्या औकात थी अमीषा की? अगर अमीषा पर सही वक्त पे कांग्रेस ने कार्रवाई करी होती तो आज ये जेल में सड़ रहा होता। तो ये सारी कमी हमारी अपोजिशन की है। अमीषा को किसने बनाया? कांग्रेस ने मजबूत करा, और अभी भी कांग्रेस अपोजिशन में नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल से हुकूमत की है। उसको तो अपोजिशन में बैठने की आदत ही नहीं है, उसको तो यही तमीज नहीं कांग्रेस को अपोजिशन में बैठा किस तरह जाता है। बंगाल के इलेक्शन के लिए उन्होंने दाढ़ी इतनी लंबी छोड़ दी, बनने चले थे टैगोर बन के क्या बैठ गए आसाराम बाबू। आप दिल्ली में किसी बंदे से पूछे वो मोदी के लिए मरने को तैयार है? मोदी को मारने के लिए तैयार है, मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। और बंगाल में आप किसी से पूछे वो तमाम के तमाम ममता बनर्जी पर अपनी जान निछावर करने को तैयार है। अभी संविधान खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में आप देखिए हमारे मुल्क के MLA को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। विधानसभा में वो MLA थे जिनको विधानसभा में मारे, जो लाखों वोट जीत कर आते हैं। तो जिस मुल्क में विधानसभा में MLA पिट रहे हों, जहाँ पर जिस मुल्क में चीफ मिनिस्टर पर जानलेवा हमला हो रहा, वो मुल्क कहाँ तक सेफ होगा? वहाँ संविधान चल रहा होगा? नहीं चल रहा। पुलिस को इख्तियार दे रहे हैं कि ना अदालत की जरूरत पड़ेगी, ना वारंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्योंकि किसान भी इस पर चढ़ाई कर देंगे केजरीवाल पर। तो यहाँ पर मुझे केजरीवाल की चाल लग रही। केजरीवाल ने खुद कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मुझे ऐसा बना दे जैसे भारत का राष्ट्रपति है, कि सिर्फ मैं मुस्कुराता रहूँ, मेरे हाथ में कोई पावर ना रहे। पूरे देश में विकास दुबे पैदा हो गए, जो आपने भी देखा था यूपी में पैदा हुए थे, और पुलिस उनका एनकाउंटर करने जा रही थी, उन्होंने पुलिस का एनकाउंटर कर दिया था। तो मोदी जी उसी विकास की बात कर रहे हैं कि हमारे जो गुंडे हैं विकास दुबे जो अभी बंगाल में पैदा नहीं हुए, हम उनको पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ममता पैदा ही नहीं करने दे रही। और आप देखिए कि किसी मुल्क की चीफ मिनिस्टर पर जानलेवा हमला करना अपने अंदर बहुत बड़ी बात है कि ये तमाम नाथूराम गौडसे की टोलियों ने किस तरह ममता बनर्जी पर हमला करा। और जब ये नाकाम हो गए, अब इन्होंने तमाम बसंतियों को चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, तमाम बसंतियों को वहाँ पर बंगाल में भेज दिया कि जाओ अपने मुजरे करो, और रंग बिरंगी प्रोग्राम करके कहो कि अब इस बार जो है हमारी BJP जीतेगी। उनके आप डेटे देखिए, वो बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहे हैं कि बस ममता जीरो लेकर आएगी और तमाम सीटें मोदी जी लेकर आएंगे। अभी आप देखिए रूबिका लियाकत ने और अंजना ओम कश्यप ने लाइव करा, और उसमें लोगों ने जो हाथ उठाया उन्होंने यही कहा कि हमें BJP नहीं चाहिए, हमें ममता बनर्जी चाहिए। इनकी घोर बेइज्जती हुई, लेकिन ये तो जलील लोग हैं, इनकी बेइज्जती भी हो जाए तो बेइज्जती नहीं मानते, फिर भी कह जाएंगे कि नहीं हम विकास करके छोड़ेंगे, हम विकास दुबे को बंगाल में लाकर छोड़ेंगे। तो वहां तो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी को कोई हटा ही नहीं सकता, मैं तो नहीं मानती। महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं बंगाल में 33%, तो महिला को आरक्षण देंगे? आपको 2 करोड़ जॉब दी, आपको 15 लाख दिया, क्या दिया? भारत को डिजिटल करा, तो इनकी किस बात पे आप यकीन करेंगे? अभी इन्होंने कहा था हम बिहार में 19 लाख जॉब देंगे, करा क्या है? वहां बिल ला के कल देखा तो आपने, MLA को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, विधानसभा में मारा है। तो इनकी बात का और गधे की लात का बिल्कुल भी यकीन मत करें, कब पड़ जाए। ये तो झूठों की सरकार है, सिर्फ जुमलाबाजी, जुमले फेंकते हैं। ऐसे ही बंगाल में फेंकने गए तो उसको बिहार समझ रहे हैं। बंगाल में बिहार में बहुत ज्यादा फर्क है, वो बेचारे बिहार वाले होंगे जो तुम्हारा जुल्म सह लेते होंगे, वो बंगाल है, वहां पर सोच कर कदम रखना, क्योंकि ममता बनर्जी और बंगाली जो है वो इंतकाम लेने में बड़ा माहिर होता है, वो नहीं भूलता किसी बात को। तो इस बार क्या, पहले भी वहां BJP नहीं थी, तो इस बार अगर ये सोच रहे हैं कि ममता को उखाड़ देंगे, ममता को जान से मरवा देंगे, और किंग कोबरा तक लेकर आ गए, मिथुन चक्रवर्ती लेकर आ गए, सारे जानवर सपोले अजदहा लेकर आ गए ये इंसानों के बीच में, तो क्या रिजल्ट रहा? किसको डसने की बात कर? जिस मिथुन चक्रवर्ती को ये कन्विंसिंग करा रहे थे उसको एक सिंगल टिकट तक नहीं दिया। तो जिस ममता ने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था, BJP ने उसको MLA तक नहीं बनाया, तो इनके सारे हथकंडे फेल रहेंगे, चाहे कोबरा उठा लें, चाहे टाइगर उठा लें, चाहे गीदड़ उठा लें, क्योंकि बंगाल में जानवर थोड़ी रहते, इंसान रहते हैं, तो इंसान जो है वो इंसानों की भाषा समझेंगे, इन जानवरों की भाषा बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। अभी आपने लात वाली बात करी, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली में कहा कि हम विकास करने आए, जबकि लात को ममता दीदी मारेंगी आपको, मतलब मोदी जी तो हमेशा उल्टा सीधा ही स्टेटमेंट देते हैं, आपको तो पता है, वो चाय वाले कहते हैं, जब चाय वाले, उन्हें ना संविधान की पता, ना उनको भारत की पता, कुछ नहीं पता, वो तो फैशन बाज है, मॉडल है, वो तो कठपुतलियां हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बंगाल के इलेक्शन के लिए उन्होंने दाढ़ी इतनी लंबी छोड़ दी, बनने चले थे टैगोर बन के क्या बैठ गए आसाराम बाबू। तो उनके कहने से कुछ नहीं होता, ममता बनर्जी वहाँ की पहली पसंद है, ममता बनर्जी को लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ममता बनर्जी के आगे पीछे तो कोई है नहीं कि वो दौलत छोड़कर जाएंगी।
रहे हैं ममता दीदी को पसंद कर रहे हैं लोग, लेकिन सारे नेता बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं ममता दीदी? वो जो जितने भी बलात्कारी हैं, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि बलात्कार करने का कॉपीराइट बीजेपी के पास है। अब मिथुन चक्रवर्ती बलात्कारी, उसका बेटा बलात्कारी, तो बीजेपी ने कहा देख हम इस पे केस कर देंगे, हमारी पार्टी में आ जाएगा तो हम तुझे क्लीन चिट दे देंगे, क्योंकि कॉपीराइट बलात्कार का सिर्फ बीजेपी के पास है, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती वहां चला गया। आप देखिए ना मिथुन, नहीं तमाम नेता बलात्कारी, अभी कांग्रेस का गया था कर्नाटक भवन में पकड़ा गया, जब तक कांग्रेस में था साफ सुथरा था, बीजेपी में आए बीजेपी ने कहा कि भारत की लड़कियां औरतें मालिक गनीमत है लूट लो, कर्नाटक भवन में देखा नहीं आपने क्या सेक्स स्कैंडल पकड़ा गया नहीं? तो बीजेपी में तो खुली चूट है, चिन्मयानंद किसका है, बीजेपी का था, सेंगर किसका था, बीजेपी का था, ये कौन है? तमाम के तमाम बलात्कारी लोग हैं, तो बीजेपी का तो नाम ही है भारतीय बलात्कारी पार्टी, भारतीय दंगा पार्टी, तो इनकी तो अब तो भारतीय जंगल पार्टी भी होगी, क्योंकि तमाम जानवरों को ले लेके जा रहे हैं, कोई किंग कोबरा कह रहा है, कोई काला कौवा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये इंसानों की पार्टी नहीं रही, ये जानवरों की पार्टी है। एक सवाल ये है कि जो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने लगभग राष्ट्रपति जैसा ही हाल कर दिया है, मतलब महामहिम तो आप हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में संजय सिंह ने कहा है कि हम ये सजा हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने किसानों को कैद करने के लिए स्टेडियम नहीं दिए दिल्ली में, और उसकी सजा मुझे तो यहाँ पे केजरीवाल की सारी चालाकी लगती है, मुझे तो लगता है केजरीवाल मिला हुआ है और केजरीवाल ने खुद कहा कि ले भाई मेरे सारे इख्तियार बंद कर दे, ताकि किसान यूं ना कहे केजरीवाल हमारी नहीं सुनना, मुसलमान यूं ना कहे कि हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आप खुद देखो जब बीजेपी सरकार कभी तो महाराष्ट्र की सरकार गिराने की बात करती, कभी राजस्थान की गिराने की बात करती, अरे उसके पाँव के नीचे है केजरीवाल, यहाँ क्यों नहीं खरीदो फरोख करती? यानी केजरीवाल और मोदी दोनों एक ही तैले के चट्टे पट्टे हैं, तो केजरीवाल ने खुद कहा भाई मैं आगे काम कर लूंगा, तू मेरे सारे इख्तियार बंद कर दे, मैंने दिल्ली को जितना बर्बाद करना था कर दिया, अब मैं और नहीं कर सकता, मेरे से सारे अख्तियार छीले, क्योंकि किसान भी इस पर चढ़ाई कर देंगे केजरीवाल पर, तो यहाँ पर मुझे केजरीवाल की चाल लग रही, केजरीवाल ने खुद कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मुझे ऐसा बना दे जैसे भारत का राष्ट्रपति है, कि सिर्फ मैं मुस्कुराता रहूं, मेरे हाथ में कोई पावर ना रहे। अमित शाह जी ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी हमारी, सीए लागू करेंगे, तो जहाँ पर भी इनकी सरकार बनती है वहाँ या तो सीए लेके पहुँच जाते हैं या हिंदू मुस्लिम लेके पहुँच जाते हैं, अब राम मंदिर तो लेके पहुँच नहीं सकते क्योंकि वहाँ का कोफ्ता तो फिनिश हो चुका, अब वहाँ पर मोदी जी या शाह जाकर वो तो तस्ले तो ढोएंगे नहीं कि ईंटें लगाएंगे, जितनी नफरतें फैला दी, अब NRC का फिर चुगा लेकर आ गए, क्योंकि इनको तो हिंदू मुस्लिम करना है, कभी जवानों को ज़मीन पर बिठाना है, कभी स्टूडेंट को ज़मीन पर बिठाना है, कभी किसानों को बिठाना है, इनको तो भारत की ऐसी की तैसी मारनी जो ये मार चुके हैं, इनको पता है सन 2024 में ये कहीं से कहीं तक आते नज़र नहीं आ रहे, भारत में अब के मेरा ख्याल जहाँ तक है गठबंधन की सरकार आएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि TMC जो है वो ट्रांसफर माय कमीशन पार्टी, इनके कहने से क्या होता है? तो हम भी तो बीजेपी को कह रहे हैं भारतीय बलात्कार पार्टी, भारतीय जुमलाबाज पार्टी, भारतीय जंगल पार्टी, इनके कहने से क्या होता है? अगर ममता बनर्जी खराब होती तो वहाँ के लोग ममता बनर्जी के लिए मरने मराने को तैयार नहीं होते, आप दिल्ली में किसी बंदे से पूछे वो मोदी के लिए मरने को तैयार है? मोदी को मारने के लिए तैयार, मरने के लिए कोई तैयार नहीं है, और बंगाल में आप किसी से पूछे वो तमाम के तमाम ममता बनर्जी पर अपनी जान निछावर करने को तैयार है। ममता दीदी जीत गई तो EVM खराब नहीं है? नहीं, ममता बनर्जी जीत गई तो EVM तो अभी भी घोटाला करेंगे, हो सकता है कि ममता बनर्जी के हाथ में हो, बिहार में तो काफ़ी लूट माट मची थी, बहुत सारे ट्रकों में पैसा गया था, आप देखिए मैं ये नहीं कह रही 100% बीजेपी EVM में घोटाला नहीं कर सकती, मात्र 30% या 20% में करती है, लेकिन 70% जो है वहाँ पर फिर वोट खरीदो फरोख्त होता है, तो जितनी निचली कास्ट है उनको पैसे से खरीदा जाता है, तो यहाँ पर तमाम लोगों को समझना पड़ेगा 10,000 में 20,000 में 500 में आप अपना वोट मत भेजिए, आप अच्छा नेता चुनकर लाइए, अच्छा लीडर चुनकर लाइए, ताकि भारत का उद्धार हो, भारत में संविधान बचे, अभी संविधान खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में आप देखिए हमारे मुल्क के MLO को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, विधानसभा में वो MLA थे जिनको विधानसभा में मारे, जो लाखों वोट जीत कर आते हैं, तो जिस मुल्क में विधानसभा में MLA पिट रहे हों, जहां पर जिस मुल्क में चीफ मिनिस्टर पर जानलेवा हमला हो रहा, वो मुल्क कहां तक सेफ होगा? वहां संविधान चल रहा होगा? नहीं चल रहा। पुलिस को इख्तियार दे रहे हैं कि ना अदालत की जरूरत पड़ेगी, ना वारंट की जरूरत पड़ेगी, पुलिस किसी के घर में घुस जाएगी और जाके किसी को पकड़ लाएगी, तो ये UP बिहार को लूटने आए हैं, पहले UP को लूटा, अब बिहार लूटने पहुंच गए, और ये सोच रहे हैं कि बंगाल भी हमारी मुट्ठी में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अमित शाह तो कह रहे हैं जीतेंगे। अमित शाह तड़ी पार है, क्या औकात थी अमित शाह की? अगर अमित शाह पर सही वक्त पे कांग्रेस ने कार्रवाई करी होती तो आज ये जेल में सड़ रहा होता। तो ये सारी कमी हमारी अपोजिशन की है, अमित शाह को किसने बनाया? कांग्रेस ने मजबूत करा, और अभी भी कांग्रेस अपोजिशन में नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल से हुकूमत की है, उसको तो अपोजिशन में बैठने की आदत ही नहीं है, उसको तो यही तमीज नहीं कांग्रेस को अपोजिशन में बैठा किस तरह जाता है, उसको नहीं आदत। तो हमारी जो अपोजिशन है जब कमजोर हो गई, जब ये बीजेपी सरकार हिटलर बन गई है, तो इनके कहने से कुछ नहीं होता, तड़ी पार कुछ भी बोले वो तड़ी पार रहेगा, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा।